कि मैं पहला हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर देखा जो पूरा वर्क करके आया है और हर चीज का जवाब है और कश्मीरियों के लिए और कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए। कभी यूट्यूब पे निकाल के का आप देखिए कि ऐसा होम मिनिस्टर आपने देखा जिसने सिर्फ कश्मीर की बात की कि कितनी देर तक हम कश्मीर को आगे लेके जाएंगे। अजीत डोवल की तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर वो दिखाना चाह रहे हैं। वो पैसे देकर आप किसी को साथ ले सकते हो। नमस्कार, शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त ताल ठोके का है, आपके साथ मैं हूं अमन चोपड़ा। देखिए 5 बज चुके हैं, मतलब 3 घंटे का और इंतजार। 3 घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन, लेकिन आज 8 तारीख है और 8 तारीख को ही रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन है। डर तो नहीं लग रहा है भाई? बिट्टा साहब, यही दर्द है कि इतना बड़ा फैसला हम लोगों को डरा रखा कि 370 को हाथ लगा दिया तो बवाल हो जाएगा, 370 को हाथ लगा दिया तो कोई तिरंगा उठान। इनको दर्द ये है कि कश्मीर में सब शांति है, कोई दिक्कत ही नहीं हो रही, हिंसा ही नहीं हो रही। मैं फिर कहूं कि मैं बचपन से कांग्रेसी हूं, पर मेरे लिए मेरा मकसद शुरू से प्रथम राष्ट्र रहा है। सबसे पुराने और सीनियर पत्रकार, बहुत अच्छी बातें इन्होंने कही। गुलाम नबी आजाद जी, जब पंजाब में टेररिज्म था तो ये पंजाब के इंचार्ज थे। मैं प्रदेश कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, व्हाइट निक्कर, व्हाइट शर्ट, रेड पगड़ी, रेड टर्बन ब्रिगेड और मौत का कफन बांध के हम निकलते थे। क्या हमको पैसे देता था गुलाम नबी आजाद? क्या मेरा सवाल है इनसे। हजारों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, हमारे ने वहां कुर्बानी दी, बीजेपी ने भी दी, आरएसएस ने भी दी और सीपीएम ने भी दी। सवाल सबसे बड़ा ये है, आपने अभी मुरली देवरा के बेटे का नाम सुनाया, आपने माधवराव सिंधिया जी के ज्योतिराव सिंधिया का नाम, आपने इतने नाम सुना दिए, हम भी उसमें शामिल हैं क्या? गुलाम नबी आजाद अफजल के टाइम पे भी ये कश्मीर में आतंकवादियों का गुलाम था और आज फिर ये गुलाम बन के गुलाम नबी आजाद। दूसरी बात सुनिए, एक बात मैं बिल्कुल स्पष्ट कह दूं, अगर कांग्रेस की बात कर ले, पूरे हिंदुस्तान के अंदर क्या गुलाम नबी आजाद ये कह लेते कि कांग्रेस के कार्यकर्ता या चीफ मिनिस्टर या जो भी एमपीज हैं रातों रात हमें मैसेज भेजिए कि 370 धारा पे क्या विचार है? क्या इन्होंने विचार मांगे? क्या गुलाम नबी आजाद के परिवार की जागीर है कांग्रेस? हम लोगों ने कुर्बानी दी, बेंत सिंह ने कुर्बानी दी, इंदिरा जी ने दी, क्या इसकी जागीर है कांग्रेस? क्या पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के विचारों को दबा करके, कुचल करके इन्होंने वही बात की जो हम सोच रहे थे? हमने तो सिख होके कहा, हमें सिख होने पे गर्व है, हमने कहा प्रथम राष्ट्र, सबसे पहले देश। अरे नरेंद्र मोदी जी हो सकते हैं बीजेपी के, अमित शाह हो सकते हैं बीजेपी के, पर नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने 70 साल का कैंसर जड़ से उखाड़ करके फेंक करके लोगों को भारत दे दिया। हम क्या चाहते थे? 370 धारा पहले बोला करता था 10 साल, 5 साल, 3 साल पहले। अब कहते थे चलो 370 धारा नहीं मोदी जी, हमें 35 ए ही दे दो हमें। अरे आपके चैनल में कह के क्या, दूसरे तीसरे दिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी ने मिलकर के पूरे दुनिया में बैठा हुआ हिंदुस्तानी उसको गप्फे दे दिए, सोना जवाहरात हमारे पूरे राष्ट्र के लोगों को दे दिया। आपने, और क्या चाहते आपने, आपने मर्म कुछ हुआ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम लोग कह रहे थे 370 हटाओ, चले 370 नहीं तो कम से कम 35 से ही हटा दो। लेकिन शहनवाज हुसैन साहब, परेशानी इस चीज की है कि इतना बड़ा फैसला इतनी आसानी से हो गया। आप सम्मान करते हैं तिरंगे का? दो दो झंडे क्यों चाहिए सर? स्टेट की तो बात क्यों नहीं चाहिए? एक सवाल का जवाब दीजिए, मुझे बताएं, तिरंगा पसंद है, तिरंगे को सलाम करते हैं? जावेद भाई नहीं, एक मिनट अमित रैना, एक मिनट जावेद भाई, एक डाउट हो रहा है यहाँ पर लोगों को, तिरंगे को सलाम करते हैं? तिरंगे को सलाम करते हैं जावेद भाई? तिरंगे को सलाम करते हैं, हाँ या ना? करिए सलाम। तिरंगे से हमें नफरत नहीं है, लोगों से करिए सलाम। लेकिन जो संसद, जो यहाँ की संसद है ना, संसद से शिकायत है, संसद से आपसे कोई गिला नहीं है, आपसे कोई गिला नहीं है, तिरंगे से गिला नहीं। लेकिन सर एहसान थोड़ी ना है, संसद गिला नहीं है तो एहसान थोड़ी ना है सर, आपका देश है। एक मिनट मेरी बात जी सर, दो झंडे हमारी आपसे, देखो आप सारा शालीम, उसके बाद आपके पास आ रहा हूँ जी। हमारी आपसे कोई लड़ाई नहीं है, हमारे भाई है। हमने अगर कश्मीर में 370 धारा सरकार ने वहां से हटाई है तो जरूर हम मिलजुल के ही वहां की प्रोग्रेस करेंगे, वहां के नौजवानों को लेके जाएंगे। देखो मेरी जिंदगी के अंदर, मुझे इतने साल राजनीति में हो गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम का छोटा सा था, आज तक मैंने सरदार पटेल जी को तो नहीं देखा, पर मैं अमित शाह जी जितनी देर तक बीजेपी के प्रेसिडेंट रहे मैं उनकी राजनीतिक उनके काम देखता रहा। मैं कसम की, भगवान की, हनुमान जी की कसम, गुरु महाराज खाके कहता हूं
कि मैं पहला हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर देखा जो पूरा वर्क करके आया है और हर चीज का जवाब है और कश्मीरियों के लिए और कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए। कभी यूट्यूब पे निकाल के आप देखिए कि ऐसा होम मिनिस्टर आपने देखा जिसने सिर्फ कश्मीर की बात की कि कितनी देर तक हम कश्मीर को आगे लेके जाएंगे। जहां तक आप कहते हैं देखो भैया अब दो झंडे तो होंगे नहीं, हमें आपस में प्यार बढ़ाना होगा, ये तो फैसला हो गया। दीवार हो, आप आप कितना भी संघर्ष कर लो, पाकिस्तान कितना भी कर ले, ये तो 370 धारा का फैसला हो गया। हम तो भाई तो भाई मिलकर तो आगे बढ़ना है, सोचना है। अब देखिए भारत में तो है नहीं 370। अब जिनको 370 से प्यार, उनको कुछ और रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। 370 तो गई नहीं, वो पाकिस्तान का बॉर्डर है ना, तो गई नहीं, पाकिस्तान का बॉर्डर वाघा बॉर्डर खुला है कश्मीर में। आलोक जी और बिट्टा जी आप दोनों सीन, मेरा एक सवाल ये है, सवाल ये कि यही नरेटिव पाकिस्तान बना रहा है। आज ऐसे समय में हमको इतना तोल मोल कर बोलने की जरूरत है कि अगर हम कह रहे हैं हमने कश्मीरियों से नहीं पूछा, उन पर अत्याचार कर दिया, यही नरेटिव पाकिस्तान बना रहा है, यही नरेटिव यहाँ के ऑपोजिशन बना रहे हैं कि आपने बिना पूछे उन पर फैसला थोप दिया, बहुत गलत है। मैं इस बैंड से एक सवाल पूछना बोल रहा, मेरा एक ही सवाल, उसके बाद आलोक जी, क्या आज तक इतने हमारे जवान शहीद हुए पूरे हिंदुस्तान के अंदर, चाहे पार्लियामेंट में हमला चाहे कश्मीर के अंदर, रोज हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के तिरंगे झंडे में उनकी बॉडी उनके माँ बाप बच्चों के सामने आती है। क्या जब मेरी बहन किसी के घर गई, मेरा एक सवाल का जवाब है। कश्मीरियों की बात करें, हक है आपको, क्या किसी शहीद जिन्होंने मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा करते हुए जीवन दिया, क्या आप उसके लिए खड़े हुए? आप एक बहादुर अगर औरत खड़े हुए तो आपको बात करने का हक है। अगर किसी शहीद परिवार के साथ रास्ता नहीं है तो आपको हक नहीं है वहाँ के 370 धारा के ऊपर चर्चा। आप बताइए, मैंने आप बताइए, आप भारतीय हैं, बहुत सेंसिटिव भारतीय हैं, मेरे लिए ना प्रथम राष्ट्र है, आपके लिए क्या? आप बताइए, बताइए देश की जनता को, कुछ करके घर से बैठ के कुछ नहीं बोलते। कश्मीर अभिन्न अंग है, किसी और जैसे फैसला होता है अगर संसद में होता है। अमित राणा ने बहुत बढ़िया कहा भाई, आंध्रा को लेकर अलग रुख था, तो सेंटर संसद तय करेगी। जब कश्मीर अलग नहीं तो अलग ट्रीटमेंट क्यों? एमएस बिट्टा, इन्होंने जो आखिरी में बोला कि वहां पर इतनी शांत है हालात, मतलब ये चाह रहे हैं कि भाई शांत है कैसे, इनको दर्द यही है। देखिए फिर गलत बोलने दो ना मुझे बिट्टा साहब, इन्होंने वो माहौल पंजाब का देखा नहीं, आतंकवाद का माहौल देखा नहीं, उस वक्त कितनी शहादतें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की हुई, दूसरी पार्टी की भी हुई, पहले जिक्र कर चुका हूं बाद में आए। आपने अजीत डवाल के बारे में बात कर दी, आपको पता है अजीत डवाल हो सकते हैं सुरक्षा सलाहकार, पर मैंने अपने जीवन के अंदर राजीव जी के साथ काम किया, इंदिरा जी के साथ काम किया, नरसिम्हा राव जी के साथ काम किया, सबके ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट रहा, मैं जितने भी सुरक्षा सलाहकार देखे सारे इंटेलिजेंस करते थे हमारे लोगों की। ये पहला हिंदुस्तान के सुरक्षा सलाहकार अजीत डवाल जी जो पाकिस्तान में एक अपनी जिम्मेदारी को निभाते रहे, वहां फ्रूट की रेड़ी लगाते रहे, पता नहीं बेचारे क्या क्या राष्ट्र के लिए, आपके लिए, मातृभूमि के लिए। वो अजीत डवाल नहीं, वो जिंदा शहीद अजीत डवाल है। उसने हिम्मत की, अगर कोई हमारे जैसा होता ना तो कहता रुक जाओ मैं नहीं जाता, बेचारे ने दिलेरी की, बहादुरी की, जा करके कश्मीर के अंदर लोगों के साथ खाना खाया। लेकिन अब ये कश्मीरी बिकाऊ बना दिया, लेकिन मुसलमान बिकाऊ बना दिया, हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदू सिख बिकाऊ नहीं है, वो हिंदुस्तानी है। बेटा साहब जल्दी से, उसके बाद मैं सर के पास आऊंगा। इन्होंने बड़े फख्र से कहा मैं कश्मीरी हूँ, आप सब पहले मेरे से पूछे मैं कौन हूँ, मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम। दूसरा सुनिए, भारत माँ में पैदा हुआ, जब शरीर का आधा हिस्सा बम्बों गोलियों से मातृभूमि की रक्षा करते हुए जाएगा, भगवान से रोज सुबह प्रार्थना करता हूँ जाते वक्त इतना निकाल देना मुंह से, वंदे मातरम वंदे मातरम। ये कहते चले ठीक है, हो गया ठीक, भी ऐसे नहीं, काउंटर नहीं, आप मत करिए।